Hello everyone, this is Mohammed Ehsan. Welcome back to my YouTube channel. क्या हाल आप सबके? I hope आप सब अच्छे होंगे. आप तो आज मैं आया हूँ कुतुब शाही. हैदराबाद में दिस इज द वन ऑफ द मोन्यूमेंट, ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हो उसको. तो आप इसको एक्सप्लोर कर. गाइस ये जो है टिकट के प्राइसेस हैं, यहाँ से देख सकते हो. गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, कुतुब शाही टॉम्ब, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी. तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, ठीक है. और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, ये पढ़ सकते हो. ये वॉर हेरिटेज साइट है ऑल्सो. टिकट ये है, टिकट की जो प्राइस है ना, एडल्ट्स के लिए 10 रुपीज़ है. अगर विदाउट आपके पास फ़ोन नहीं है तो, अगर आपके पास फ़ोन है 50 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी. यहाँ देख सकते हो फ़ोन के लिए, ठीक है. एडल्ट्स के लिए 10 रुपीज़ का है. तो मैं शूट भी कर रहा हूँ तो इसकी वजह से. तो आप आगे चलते हैं, एंट्री लेंगे तो देखते हैं. तो गाइस फाइनली हम एंटर हो चुके हैं कुतुब शाही टॉम्ब पे. मेरे पीछे देख सकते हो, ये रहा ऐसा कुछ व्यू इधर से. तो गाइस फाइनली हम हैं अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह की टॉम्ब पे. ये देख सकते हो, ये है अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह की टॉम्ब. उन्होंने रूल किया था 1626 से लेके 1672 तक. जो गोलकोंडा के 7th किंग भी माना जाता है. तो ये उनका उम्मत है, यहाँ पे उनका कब्र भी है. तो अंदर चलेंगे, अंदर चल के कब्र में जाके देखते हैं. तो अंधेरा अंधेरा है लेकिन आप देखो, ये ऐसे बने हुए हैं इधर से. ये उनका कब्र है, मतलब ऊपर नहीं है, नीचे है. ये मोन्यूमेंट बनाया गया है उस टाइम पे, उस दौर में बनाया गया है, ठीक है. ऐसा कुछ सीन है. डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है इसको. देखो ये कब्र है, ये अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह की कब्र है. तो अभी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ. अगर अंदर आओ प्लीज़ चप्पल उतार के आना बाहर. यहाँ से बाहर चप्पल उतारने के लिए भी जगह है. देखो ये बाहर उतार सकते हो, कोई भी इशू नहीं है. यहाँ पे शूट करने के लिए अभी अलाउड है, शूट करने के लिए आपको देंगे, लेकिन प्लीज़ चप्पल उतार के आना. कोई कोई लोग होते हैं चप्पल के साथ ही घुसे आते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है. ये गलत चीज़ें हैं, प्लीज़ किसी को आप सेंटिमेंटल हर्ट मत करो. और यहाँ पे भी जो लोग हैं इसको संभालते हैं, उनका भी यही कहना है कि चप्पल उतार के चलना अंदर, ठीक है. तो अगर हम अब दूसरी टॉम्ब्स पे चलेंगे, ये 7th रूल ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद किंग. तो आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं. सो गाइस ये जो टॉम्ब्स दिख रहे हैं ना आपको, ये आधा अधूरा बना हुआ जो टॉम्ब्स दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. ये जो टॉम्ब्स हैं मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद की टॉम्ब्स है. तो ये इसका हिस्टोरी क्या है, आधा अधूरा क्यों है, ये देख सकते हो. आधा बना हुआ है, आधा ना उस पर ऊपर पेस्ट वगैरह लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ. ये उस ज़माने में ये बना जब रहे थे, उससे पहले, बनाने से पहले उनकी डेथ हो गई थी. तो उनकी डेथ हो गई, इसकी वजह से इसको आधा अधूरा छोड़ दिया. तो आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुके थे, तो इसको इसलिए आधा अधूरा छोड़ दिया. इसकी कहानी ये है, इसकी हिस्टोरी ये है. तो आप आगे चलेंगे, आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं. ये ऐसा व्यू है यहाँ का. सो गाइस जो मेरे पीछे जो टॉम्ब्स दिख रहा है ना, ये दो हैं जॉइंट, मतलब दो टॉम्ब्स हैं एक साथ में. ये उनकी ये जो टॉम्ब्स है, ये ग्रेव है, किसकी बना हुआ है, हकीम निज़ामुद्दीन जिलानी और हकीम अब्दुल जफर जिलानी, दोनों की एक साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है. एक साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ.
इसके बारे में क्यों ना थोड़ा फैक्ट्स बताया जाए। इस जितने भी टूम्स बने हुए हैं सेवन टूम्स में, सेवन टूम्स बोला जाता है लेकिन टूम्स तो बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। तो जितने भी टूम्स बने हुए हैं वो 16 और 17 सेंचुरीज में बनाए गए थे सबको। तो जो गोलकोंडा फोर्ट के किंग्स थे उनकी मरने से पहले इसको बना के रेडी किया गया। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक थोड़ा सा पढ़ा था मैं गाइडलाइंस पे, अगर वहाँ पे किंग कोई डेथ हो जाती थी किंग का, तो लोगों को बताया जाता था 40 दिन के बाद, क्योंकि तब तक दूसरा किंग रेडी हो जाता था, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा दुश्मनों को हमला करके वो फोर्ट हासिल कर लेंगे इसकी वजह से। तो इस ये जो मॉन्यूमेंट है ये मतलब ये टूट गया था, पीस वगैरह निकल गया था, इसको रिस्टोर किया गया है। रिस्टोर 2013 से लेकर 2019 तक इसको रिस्टोर किया गया है टोटली। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको रिस्टोर किया गया है तेलंगाना स्टेट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरा रिस्टोर किया गया है। ठीक, सो गाइस अब हम चल रहे हैं मोहम्मद कुलीकुतुब शाह की टोम्स पे। ये जो टोम्स है जो मोहम्मद कुलीकुतुब शाह है, 6 रूल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी, 6 किंग थे गोलकोंडा के। तो 1611 से लेकर 1625 तक उन्होंने गोलकोंडा में राज किया, मतलब उनके अंडर में थे कुतुब शाही डायनेस्टी। तो ये उनका टोम्स है, इसके अंदर उनका ग्रेप है। तो इस टोम्स के अंदर एक वाटरफॉल भी है, ये देख सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। सो गाइस ये जो मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो टोम्स है 6 किंग ऑफ हैदराबाद गोलकोंडा, और इसका ये टोम्स बना हुआ है, उनका बना हुआ है टोम्स ये। तो अब अंदर चल के देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं अंदर जा पाते कि नहीं, तो देखेंगे देखें। और ये चीज़ देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आया, आपने महारा मूवी देखी होगी सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की और रवीना टंडन, ये इस प्लेस पे उस मूवी की भी शूट हुई है। ये मूवी जो मूवी है महारा मूवी यहाँ पे शूट हुई है, ठीक है। भाई मुझे याद आया वो प्लेस, वो मूवी के जो प्लेस है यहाँ पे ही शूट हुई है। सो अब अंदर चलेंगे, अंदर चल के थोड़ा देखते हैं कैसा सीन है, कैसा क्या है। तो आपको ऑलरेडी बताया था अंदर जब अगर जा रहे हो तो चप्पल उतार के जाना, पहले हम चप्पल निकालेंगे फिर चलेंगे अंदर। सो गाइस फाइनली अंदर हैं, अंदर देखते हैं कैसा सीन है। अंदर बाहर चलेंगे, अंदर तो पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो बाहर चलेंगे, बाहर चल के दिखाते हैं और क्या बचा हुआ है। गाइस अब फाइनली यहाँ 6 रूल ऑफ जो गोलकोंडा थे जो किंग थे उनसे ये उनकी उम्मत है, उनकी टूम से वहाँ से निकल के अब आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे चल के देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली इधर की साइड कुछ टोम्स बने हुए हैं, ये मतलब नॉन रूलर के थे, ये नॉन रूलर है मतलब उनके रिश्तेदार वगैरह होंगे, मतलब उनका ही हिस्सा है, गोलकोंडा के डायनेस्टिक के ही हिस्सा है, उनके रिलेटिव वगैरह होंगे, उनकी ही टोम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आगे तो और कुछ भी नहीं है, तो आगे चलेंगे, आगे और क्या छूट गया देखते हैं। कुछ भी जगह ऐसे एंट्री नहीं है, मतलब क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी भी यहाँ पे, तो इसकी वजह से। तो आगे चलेंगे, आगे चल के और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस ये जो मेरे पीछे टोम देख सकते हैं, ये जो टोम्स है सुल्तान मोहम्मद कुलीकुतुब शाह की टोम्स है। तो यहाँ पे एक मूवी भी शूट हुई थी जो महारा मूवी बताया था, वहाँ के फाइट के सीन यहाँ अंदर शूट हुआ था, लेकिन अंदर तो लॉक्ड है पूरा, मतलब लॉक्ड है मतलब, तो जाने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऊपर चल के देखेंगे, ऊपर जा सकते हैं। यहाँ नीचे से मैं आपको थोड़ा घूम दूँगा। जो टोम दिख रहा है आप मेरे पीछे, ये जो टोम दिख रहा है ये है सुल्तान मोहम्मद कुलीकुतुब शाह की टोम्स है। तो इसको भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, आप देखो यहाँ से
ये फोर्थ किंग ऑफ गोलकोंडा, यहाँ से गोलकोंडा फोर्ट भी दिखाई देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है ना ऊपर से, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये गोलकोंडा फोर्ट की ऊपर का है व्यू, ऊपर से सबसे ऊपर का जो है गोलकोंडा फोर्ट की है। सो गाइस, हम अब आ गए हैं सुल्तान कुली कुतुब शाही टॉम्स पे, जो सुल्तान कुली कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो ये उनकी टॉम्स है, मेरे पीछे देख सकते हो, ये हैं उनकी टॉम्स। आगे चलेंगे, आगे चल के देखते हैं अंदर चल के। ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी खबर है, ये देख सकते हो, ये ऊपर से, ये सुल्तान कुली कुतुब शाह जो डायनेस्टी के फाउंडर हैं, कुतुब शाही डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनकी खबर है। ग्रेव एक्चुअली यहाँ नहीं है, इससे बहुत गुना नीचे है ग्रेव। तो अभी चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ग्रेव बना हुआ है। ये जो खबरें हैं, ये जो यहाँ पे कब्रें बने हुए हैं ना, उनका स्पेशलिस्ट मतलब फिजिशियंस जो स्पेशल उनके लिए लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं उनकी खबरें हैं ये। गाइस फाइनली हमने पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप मुझसे कुछ छूट गया, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।